नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयरिंग करने वाले हैं दो बजट सेगमेंट के कमाल के स्मार्टफोन के बीच में। एक तरफ है दोस्तों ओप्पो, दूसरी तरफ है वीवो। वीवो की तरफ से देखने को मिलेगा दोस्तों आपको वीवो Y21, वहीं ओप्पो की तरफ से देखने को मिलेगा ओप्पो A16। दोनों ही दोस्तों लेटेस्ट लॉन्च है। ऐसे में देखते हैं दोस्तों क्या कुछ खास आपको इनमें देखने को मिलता है और चूज़ किया जाए इनमें से एक स्मार्टफोन, तो कौन सा स्मार्टफोन आपको अपने लिए चूज़ करना चाहिए। तो कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले से देख ले कितने हैं, क्या कुछ खास फर्क है आपको दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। वैसे एक तरफ आपको 6.5 इंच टाइप एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लगभग सेम साइज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको ओप्पो में। दोनों में ही रेजोल्यूशन आपको HD+ का देखने को मिलेगा। बात करें थिकनेस और वेट की, तो एक तरफ वीवो में आपको थिकनेस देखने को मिलेगी 8mm की, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो में थिकनेस देखने को मिलेगी आपको 8.4mm की। बात की जाए अगर वेट की, तो वीवो में देखने को मिलेगा वेट 182 ग्राम का, जबकि ओप्पो में आपको ऑलमोस्ट 190 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो वीवो में आपको 270 PPI यानी पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने को मिलेगी, लगभग सेम डेंसिटी देखने को मिलेगी ओप्पो A16 में। देखा जाए दोस्तों लगभग डिस्प्ले बराबर है, इतना कोई खास फर्क यहाँ पर डिस्प्ले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लगे हाथों कंपेयर कर लेते हैं आप कैमरा को भी। वैसे एक तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। जबकि बात करें डेप्थ लेंस की, तो फिजिकली मौजूद नहीं है यहाँ पे वीवो Y21 में, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलेगा आपको ओप्पो A16 में। हालांकि यहाँ पर मैक्रो लेंस आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा में भी इतना कुछ खास फर्क आपको देखने वाला है नहीं। दोनों ही तरफ आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा कैमरे के मामले में भी, तो कैमरे के मामले में लगभग दोस्तों दोनों ही चीज़ आपको बराबर देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर को। तो एक तरफ बात करें वीवो Y21 की, तो यहाँ पे आपको एक 2.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो वर्क करता है मीडियाटेक हीलियो P35 पे। यहाँ पे बैटरी की बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी के साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बात करें ओप्पो A16 की, तो यहाँ पे भी आपको 2.3 GHz का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वर्क करता है मीडियाटेक के हीलियो G35 पे। बात करें यहाँ पे अगर बैटरी की, तो यहाँ पे भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 10W की नॉर्मल चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक पी सीरीज का है तो एक जी सीरीज का। बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, दोनों प्रोसेसर की, तो CPU परफॉर्मेंस में लगभग 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा दोनों ही प्रोसेसर में। और बात करें साथ ही यहाँ पे इनके अंतुतु स्कोर की, तो 11% ज़्यादा बेहतर है मीडियाटेक हीलियो G35। और यहाँ पे बात करें इनकी बैटरी लाइफ की, तो इतना कुछ खास फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। और इसके साथ में बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में सेम देखने को मिलेगी, हालांकि GPU आपको बेहतर देखने को मिलेगा G35 में। अगर बात करें दोस्तों रैम, मेमोरी और प्राइसिंग दोनों ही स्मार्टफोन की, तो एक तरफ बात करें वीवो Y21 की, तो 4GB रैम 64GB मेमोरी के साथ में लगभग 14,000 रुपये का ही देखने को मिलेगा, जबकि ओप्पो A16 भी सेम रैम सेम मेमोरी के साथ में सेम प्राइस का ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वीवो Y21 की, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन थोड़ा सा पीछे मतलब मॉडिफाइड देखने को मिलेगा, ग्लॉसी लुक में ये वाला स्मार्टफोन आता है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और बैक में डुअल कैमरा सिस्टम देखने को मिल रहा है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ नया आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बात करें पुराने वाले स्मार्टफोन की वीवो Y20 की, तो वीवो Y20 और इसमें कुछ ज़्यादा अपग्रेड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें दोस्तों ओप्पो A16 की, जो ओप्पो A15s का सक्सेसर माना जा रहा है, तो प्रोसेसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस चेंज किया गया है। पिछली बार दे रहे थे मीडियाटेक P35, यहाँ पे जी सीरीज़ का G35 देखने को मिलेगा। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, ग्लॉसी डिज़ाइन है, प्रीमियम डिज़ाइन है, मतलब एक मिड सेगमेंट में आपको एक अच्छी काफ़ी प्रीमियम और हैंडी फील देगा ये वाला स्मार्टफोन। दोस्तों दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ओप्पो A16 काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा हर चीज़ के मामले में। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें कॉमन देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ओप्पो A16 एक प्रीमियम फील कराएगा, साथ ही थोड़ा बहुत कैमरे में भी आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। मैं दोस्तों आप कमेंट करके बताओ जरूर कि कौन सा स्मार्टफोन आया आपको पसंद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद।